पार्वती माता ने वट वृक्ष लगाया, जिस प्रकार प्रयागराज में अक्षय वट है, गया जी बुद्ध वट है, वृंदावन वंशी वट है, उज्जैन अवंतिका का सिद्ध वट है, कलयुग के चारों कल्प वृक्ष है। इस पेड़ के नीचे बैठकर राजा विक्रमादित्य ने तपस्या करी थी, उनको वेताल की सिद्धि मिली थी। विक्रम वेताल की जो कहानी आती थी वो उसी जगह की कथा है। इस पेड़ के ऊपर वेताल लटक रहा था, जिसे राजा विक्रमादित्य ने उसको सिद्ध किया था। मुगल काल में इसको कटवाकर लोहे के तवों से बंद कर दिया था। उन तवों को फोड़कर रात भर में पुनः हरा भरा हुआ वट वृक्ष तब से ना बढ़ता ना घटता, ऐसे ही रहता है। यहाँ पर कार्तिक स्वामी का जन्म हुआ। उसके बाद में ताड़कासुर राक्षस का यहाँ पर उन्होंने वध किया। जो शक्ति यहाँ पर चली थी वो अगर शिप्रा में लीन हो गई, तब से शक्ति बहती होते। यहाँ माता पिता के पिंडदान करने के लिए लोग आते हैं। जिसकी कुंडली में काल का दोष पितृ दोष होता है, उसका निवारण यहाँ पर होता है। जिनकी जैसी मनोकामना होती है सिद्धि होता है, इसीलिए इनका नाम सिद्धवट। राघवेंद्र चतुर्वेदी पुजारी सिद्धवट मंदिर।